महाकाल का भक्त है, शिव का भक्त है, और हर कोई आज पूछना चाहता है इस प्रकार शिवलिंग का अपमान करने वाला चप्पल और शिवलिंग एक ही श्वास में कहा जाए, मुझे कहते हुए भी लग रहा है कि मैं ये कहना नहीं चाहता, ये हम उच्चारण तक नहीं कर सकते। राहुल जी आप तुरंत बर्खास्त करिए, और मैं कहना चाहूंगा थारे बहुत पाप लगेगा, थारे को बहुत पाप लगेगा, तुमको पाप लगोगे राहुल। आपने जिस प्रकार से शिव भक्त होने का ढोंग किया और उसके बाद शिव जी के साथ जिस प्रकार का आप भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, आपको शिव जी कभी माफ नहीं करेंगे। आप अपना गोत्र भी बताएं और हिंदुओं को भ्रमित करने की चेष्टा ना करें। बंधुओं ये बहुत ही सीरियस मामला था, हमें लगा कि मध्य प्रदेश की भूमि से जहां आज राहुल जी आए हैं उनको ललकारना चाहिए था, आज के प्रेस वार्ता का यही संदर्भ था। मगर मैं दो और बातें, छोटी छोटी बातें जो मुझे रास्ते में मालूम पड़ा मगर बहुत गंभीर बातें हैं, वो रखना चाहूँ। एक तो मैंने अभी व्हाट्सएप पे देखा कि माननीय नरेश तिवारी जी जो कि बहुत ही बड़े पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो इंदौर के थे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। और अभी जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे मालूम पड़ा कि अरविंद तिवारी जी जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनके पिताश्री जो आईएएस ऑफिसर मध्य थे, ओआर तिवारी साहब जो 7 जिलों में कलेक्टर भी रह चुके हैं, वह भी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता उनके लिए प्रार्थना करती है। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो मैं आपके मध्य हूँ, आप अवश्य पूछिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या 2019 का चुनाव फिर हिंदुइज्म के आधार पर ही लड़ेगी? देखिए जहाँ तक हिंदुइज्म का विषय है, मैं आपको बहुत सप्रेम और विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा, हिंदुइज्म कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे हमें परहेज करने की आवश्यकता है। इतने वर्षों तक, 70 वर्षों तक स्वतंत्रता के पश्चात देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार की कटु राजनीति हुई, उसमें हमेशा ही हिंदुओं को द्वयन दर्जे की नागरिकता के रूप में कांग्रेस ने देखा है, हमें हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखा। और आप बताइए, मैं इंदौर में बैठा हूँ, ये आप सब, मैं तो उड़ीसा का हूँ मगर आप सब तो अहिल्या बाई के पुत्र हैं, पुत्री है। आप खुद बताइए, जिस माँ का हम सम्मान करते हैं, जिस शिवलिंग का हम सम्मान करते हैं, उस शिवलिंग के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, चप्पल जूते और शिवलिंग महाकाल के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सोच भी सकते हैं क्या? देखिए सही तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के यहाँ आए, हमारा ये दायित्व तो बनता है, हमारा ये धर्म है कि हम उनसे सवाल पूछे और शशि थरूर को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करने की मांग भी करें। मैं आपसे कहता हूं, आप बताइए क्या शशि थरूर जी किसी भी और धर्म के लिए, किसी भी और धर्म के आराध्य देव के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। मगर हिंदुओं को, भगवान शिव को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी जी अगर वास्तविक शिव भक्त है तो वो क्षमा याचना करें और शशि थरूर को पार्टी से बर्खास्त करें। राहुल तो गया 2014 में जो बीजेपी